फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्वेता मैम, एमएस एकेडमी स्कूल से। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिसको शॉर्ट में बोला जाता है बीपी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरीके से क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। मैंने वेसल्स के बारे में भी वीडियो डाला है जिसमें आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज तीनों के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब ये हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, इस ब्लड वेसल्स में आप इसको चाहे आर्टरी माने, है ना, कि ये आर्टरी है या फिर ये वेन है, तो इसमें ब्लड फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो जब ब्लड इसके अंदर फ्लो करता है तो ये ब्लड इस वेसल्स के ऊपर जितना प्रेशर इस पर क्रिएट करता है, अब ये इसमें फ्लो करेगा तो जैसे ये एक पाइप है और पाइप में अगर पानी फ्लो करता है, वाटर उसमें फ्लो करता है, तो वो वाटर उस पाइप के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालता है। ठीक है ना, उस पर दबाव डालता है। तो ये ब्लड जब ये फ्लो कर रहा है इस वेसल्स के अंदर, तो ये ब्लड इस वेसल्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा और इसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बीपी। अब ब्लड प्रेशर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसा कि मैंने ये हार्ट का ब्लड, हार्ट किस तरीके से सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि ये जो हमारा हार्ट है, ठीक है, इस हार्ट में ये किस, ये पूरा जो मैंने फ्लो डायग्राम बना रखा है, ये किस तरीके से सर्कुलेट होता है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। यहाँ हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो आप देखिए, ऊपर वाला हमारा क्या होता है, हार्ट का ऊपर का जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं, ये हमारा राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो एट्रियम जो होता है ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक साथ रिलैक्स होता है। जो हमारा ये वेंट्रिकल है ये भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक साथ रिलैक्स होगा। एक साथ का मतलब कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, नीचे का ये पूरा पोर्शन, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक साथ ही रिलैक्स होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना, ये जो हमारा वेंट्रिकल जो है, जब ये नीचे का पोर्शन हार्ट का वेंट्रिकल जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसमें भरा हुआ ब्लड, जो इसमें ब्लड भरा हुआ है जो कि प्यूरिफाई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो बहुत तेजी से पंप किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या है हमारा ओर्टा। ठीक है, तो यहां से जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये सिकुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि यहां से सिकुड़ेगा, यानी कि ऐसे अपने अपने वॉल्यूम को छोटा कर रहा है। ठीक है ना, तो अपना जब ये वॉल्यूम छोटा करेगा तो इसका ब्लड कहीं ना कहीं तो फ्लो होगा, तो इसका ब्लड जो है बड़े प्रेशर के साथ फ्लो होता है इसमें ओर्टा में। ठीक है, इसको हम इस तरीके से देखें, ये हमारा आर्टरी, ये हमारा है, मैंने सिर्फ एक चैम्बर को ले लिया है, हार्ट का हमारा ये वाला चैम्बर, क्योंकि ब्लड प्रेशर में इसी चैम्बर का काम है। तो ये हमारा चैम्बर है। अब जब यहाँ से ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, अपनी साइज को जब छोटा करता है, तो ये क्या करता है कि ब्लड को इसमें से ब्लड इसमें ओर्टा में तेजी से फ्लो होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस कंडीशन में जो ब्लड इसमें फ्लो होगा उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय ब्लड इस वेसल्स के ऊपर, मैंने आपको बताया कि जो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर डालता है उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में था, उस समय यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में है, मीन्स ये सिस्टोलिक कंडीशन में है। ठीक है, जब ये वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में आएगा उस समय प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है वेसल्स में, ब्लड का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा और उसी प्रेशर को हम बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 120 मिलीमीटर मरकरी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 120 mmHg। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, जो हमारा ये वेंट्रिकल है, ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, यानी कि सिस्टोलिक कंडीशन के बाद, वापस इसकी कौन सी कंडीशन आएगी, डायस्टोलिक कंडीशन, यानी कि अब ये इस तरीके से फैलता है। ठीक है, जब ये अपना वॉल्यूम बढ़ाता है, फैलता है, तो इसमें ब्लड आता है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम बढ़ जाता है तो यहाँ से ब्लड यहाँ लेने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, इसमें से ब्लड इसमें आए इसके लिए इसको फैलना पड़ेगा। जब यहाँ पर ये फैलता है
तो ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाता है, जब वापस इसमें ब्लड भर जाएगा तो ये क्या करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ब्लड यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, फिर वापस इसको ब्लड लेना है, फिर ये क्या करेगा, इस कंडीशन में आएगा। इसको हम बोलते हैं रिलैक्स कंडीशन, या फिर इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक कंडीशन। ठीक है, तो जब ये सिस्टोलिक कंडीशन में आया तो इसने बड़े प्रेशर के साथ ब्लड को आगे बढ़ाया। ठीक है, फिर ये डायस्टोलिक कंडीशन में जब आएगा, जब ये डायस्टोलिक कंडीशन में आ रहा है उस दौरान वेसल्स के अंदर से जो ब्लड था वो काफी आगे बढ़ चुका था। ठीक है, यहां पर ब्लड का प्रेशर अब क्या हो गया, कम। यहां जो प्रेशर के साथ जो ब्लड आया था वो तो आगे की तरफ फ्लो हो गया, वो तो यहां से गया आर्टरीज में, गया जिन जिन ऑर्गन तक पहुंचाना था वहां वहां ब्लड पहुंच गया है। ठीक है ना, प्रेशर के साथ इसीलिए फ्लो किया जाता है ताकि दूर दूर सभी ऑर्गन को प्योर ब्लड मिल सके। तो ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड को यहाँ से सप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे सप्लाई किया जाता था तो वहां का प्रेशर हो गया सिस्टोलिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 120। जब ये रिलैक्स कंडीशन में आएगा तो अब यहाँ पर ब्लड का अमाउंट कम रहेगा और यहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा, कम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कम ब्लड है और प्रेशर भी यहाँ पे कम है, और उस समय जब यहाँ पर प्रेशर कम है उस समय ये किस कंडीशन में है, डायस्टोलिक कंडीशन में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये वाला जो प्रेशर होगा इसको बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है 80 मिलीमीटर मरकरी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 80 mmHg। ठीक है, तो दो तरीके का ब्लड होता है ब्लड प्रेशर, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस तरीके से और बहुत तेजी से ब्लड फ्लो हुआ, वैल्यू ज़्यादा आई, दूसरा यही वेंट्रिकल ही जब रिलैक्स कंडीशन में आया तो जो ब्लड प्रेशर होगा उसको बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, डॉक्टर चेक करके हमको बताते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर यदि 120/80 है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यानी कि ठीक है। ठीक है ना, बीपी सही है, एग्जैक्ट बीपी अगर आ रहा है, हेल्दी है, बीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा एग्जैक्ट अगर बीपी आ रहा है तो वैल्यू आएगी 120/80। इस तरीके का आप देखेंगे जो पर्ची होती है डॉक्टर की, उस पर इस तरीके से लिखा हुआ आता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को जिस मशीन से नापते हैं, मशीन आपने देखा होगा हाथ पे पट्टा लगा करके और ऐसे से पंप करते हैं हवा, ठीक है ना, तो जिस मशीन से हम इसको नापते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से बीपी को मेजर किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, 1733 में स्टेफन हॉल्स ने सबसे पहले बीपी मेजर किया था, ब्लड प्रेशर को मेजर किया था हॉर्सेज में, घोड़ों के अंदर सबसे पहले मेजर किया गया था, और 1983 में कैप्लॉन ने बीपी का डेफिनेशन दिया था कि एक्चुअल में ब्लड प्रेशर होता क्या है, जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में हमको डिफाइन किया था कैप्लॉन ने 1983 में। अब हम बात करते हैं हाई बीपी और लो बीपी की। लो ब्लड प्रेशर यानी कि लो बीपी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं लो बीपी, क्या होता है, यदि ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आपने देखा कि हार्ट जो है वो ब्लड को फ्लो कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है ना, जब हार्ट ब्लड को वेसल्स में पंप कर रहा है तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से, हाई प्रेशर की वजह से ही ब्लड जो है वो हर ऑर्गन तक आराम से पहुँच पाता है। ठीक है, लेकिन जिनमें लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, जिनको जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनमें उतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता है, मतलब यहाँ पर ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनमें 120 ब्लड प्रेशर नहीं होता है, उससे कम होता है, तो उस वजह से जो ये ब्लड का जो फ्लो है ना, कितनी तेजी से ब्लड फ्लो करके और ऑर्गन्स तक पहुंच सके, तो ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पाता है क्योंकि बहुत तेजी से उसको पंप नहीं किया गया। ठीक है ना, प्रेशर क्या था, कम था, इस वजह से सारे ऑर्गन तक पहुंच नहीं पाता, तो जब ब्लड सारे ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा तो बहुत सारी चीज़ें भी नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए मीडियम का काम कौन करता है, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड ही हर जगह से, जैसे हमारा ब्रेन है, अब इसको ऑक्सीजन चाहिए, वैसे सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारे ब्रेन को अगर थोड़े समय के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो ऑक्सीजन हो गया या बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, जो सारे ब्लड ही होता है जो हर ऑर्गन तक, हर सेल तक ये सारी चीज़ें उनको पहुंचाता है, और साथ में वहाँ से सारी चीज़ें जो इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको लेकर के भी आता है।
तो फिलहाल यहाँ पर ले जाने की बात है। तो जब यहाँ पर इतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाया तो ब्लड वहाँ तक पहुँचा नहीं सही समय पर, और ब्रेन हो गया हमारा, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इस तरीके से जो बहुत सारे हमारे ऑर्गन हैं उनको सही समय पर ब्लड के द्वारा ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, नहीं मिल पाता है। इस वजह से बहुत कभी कभी आप देखेंगे जैसे चलते चलते अचानक चक्कर आ जाना, गिर जाना, ठीक है। चक्कर क्यों आया? क्योंकि ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए था वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है टाइमली, तो वहाँ पे फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, उस वजह से चक्कर आ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। अब इसमें मतलब अपनी तरफ से हम क्या इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो घरेलू ये होता है कि बहुत ज़्यादा जैसे नींबू पानी ये बहुत ज़्यादा पीना होता है, कई कई बार ऐसे इसको यूज़ करना पड़ता है, और इसके बाद डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब कि यहाँ पर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो बहुत ही तेज हो रहा है, ठीक है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ प्रेशर कम है और यहाँ हार्ट ने जो ब्लड पंप किया तो यहाँ पर प्रेशर कम था, और यहाँ पर जो पंप किया प्रेशर क्या है, यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर मेज़र किया जा रहा है, यानी कि प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, जबकि यहाँ पर प्रेशर क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो जब प्रेशर ज़्यादा आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। और हाई ब्लड प्रेशर का ज़्यादातर देखा गया है कि क्यों होता है ये, तो जो बहुत ज़्यादा मतलब कई कई बार खाना खा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, मेनी टाइम ईटिंग मोर मील, बहुत ज़्यादा मील मतलब होता है खाना, कई बार हम खाना खा रहे हैं और ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। फाइन फ्लोर का यानी कि मैदे का इस्तेमाल, मैदे से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड, शुगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खा रहे हैं, बहुत ऑयली खा रहे हैं, या बहुत घी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पिकल्स मतलब हमारे अचार हो गया, स्वीट्स बहुत ज़्यादा है, या फिर सिगरेट, अल्कोहल, इस तरीके की चीज़ें अगर इस्तेमाल की जा रही हैं और कोई फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, तो इन सब की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो वेसल्स हैं यहाँ पर ये फैट स्टोर हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अब हाई ब्लड प्रेशर को थोड़ा मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितनी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं हमको एक कंप्लीट डाइट लेना है, यानी कि ऐसा ही भोजन लेना है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, वाटर, रफेज का अमाउंट प्रॉपर हो, ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो, प्रॉपर अमाउंट में हमको एक कंप्लीट, एक मेंटेन बैलेंस फूड लेना होता है। जैसे बार बार खाना नहीं खाना है, एक टाइमिंग जो होती है उस तरीके से हमको खाना खाना है, मैदे की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा चीनी नहीं खाना है, ऑयल, घी, ये सारी चीज़ें नहीं खाना है, ठीक है। और सिगरेट, अल्कोहल, ये तो नुकसान करता ही है, तो इन सारी चीज़ों को हम अवॉइड करके एक हेल्दी फूड खा करके और हाई ब्लड प्रेशर को थोड़ा रोक सकते हैं उसको, अदरवाइज़ फिर डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मेडिसिन लेना पड़ता है। फ्रेश फूड, फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, समझ में आ गया आप लोगों को। ये हमारा आज का जो टॉपिक था ब्लड प्रेशर, ये कंप्लीट हो गया। आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगी, अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू।